नमस्कार, मैं संतोष कुमार। दूसरी चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर हम आपसे रूबरू हुए हैं। हमारे साथ हैं रश्मि शर्मा, जो अभी अभी डूसू के काउंटिंग सेंटर से आई हैं ऑफिस, और दूसरी तरफ नवनीत सरन हैं। इस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश होगी कि डूसू चुनाव के नतीजों का भविष्य में दिल्ली की पॉलिटिक्स पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। डूसू चुनाव में NSUI ने 6 साल बाद वापसी की है और अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। तो NSUI के रौनक खत्री ने AUB के ऋषभ चौधरी को शिकस्त दी है। ये बहुत कांटे का ही मुकाबला रहा है। काउंटिंग दौरान दिखा भी कि बहुत नेक टू नेक फाइट हो रही थी इस पद के लिए। वहीं उपाध्यक्ष के पद पे AUB के भानु प्रताप सिंह ने NSUI के यश नांगल को हराया है। सचिव पद पर AUB की मित्रविंदा ने NSUI की नम्रता जैप को शिकस्त दी है, जबकि संयुक्त सचिव के पद पर NSUI के लोकेश चौधरी ने AUB के अमन पासिया को शिकस्त दी है। के हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टॉप और बॉटम कांग्रेस के पास है, मतलब NSUI के पास है, लेकिन क्योंकि मिड की जो है, हाँ, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष पद बहुत ही अहम माना जाता है, इसलिए वो पद जीतना NSUI के लिए एक तरह से संजीवनी का काम करेगा। नवनीत जी और रश्मि, दोनों के लिए बताना कि इसका दिल्ली चुनाव पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या, क्योंकि 2013 जब से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई दिल्ली की पॉलिटिक्स में, क्योंकि इसकी जो विंग है CYSS करके है, इसकी छात्र विंग, उसने एक दो बार चुनाव लड़ा था दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का, लेकिन उसके बाद इन्होंने खुद को पीछे कर लिया उसकी नाकामी के बाद। उस चुनाव में सब कामयाबी नहीं मिली थी, उसके बाद इन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं डूसू का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आम आदमी पार्टी के आने के पहले डूसू चुनाव का दिल्ली चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ता था, एक चीज। दूसरा, चूंकि आम आदमी पार्टी डूसू चुनाव में है ही नहीं, तो हम ये इम्पैक्ट, इस इम्पैक्ट को किस तरह एसेस करेंगे, ये कहाँ जाएगा, ये जो सेंस है छात्रों का वो कहाँ जाएगा। नवनीत जी देखिए, युद्ध तो एक बहुत बड़ा मैसेज देता ही देता है, क्योंकि ये पूरा युद्ध का चुनाव है और इसमें AVP संगठन को अगर माने तो भाजपा के पक्ष में बोला जाता है और NSUI कांग्रेस का, और इन दोनों पार्टियों ने जो है AVP NSUI के देश में बड़े बड़े दिग्गज भी दिए हैं। हाँ, बड़े नेता भी निकले हैं इससे, डूसू से, जो ये नर्सरी है पॉलिटिक्स, राजनीति की पाठशाला कहा जाता है डूसू को, तो इससे बड़े नेता निकले हैं। कौन कौन, कुछ नाम गिनाएं? अरुण जेटली निकले हैं इससे, विजय गोयल निकले हैं इससे, अजय माकन सेंट्रल मिनिस्टर तक रहे हुए हैं इससे, रागनी नायक रही हैं, अमृता धवन रही हैं, अभी वो भी अलका लांबा भी MCD विधानसभा लोकसभा फिर सरकार में जो है कैबिनेट में भी यहाँ से ही बच्चे जो इसकी पाठशाला से पढ़ के निकले हैं वो आगे तक छात्र राजनीति से लेके और देश की राजनीति तक हिस्सा रहे हुए हैं। तो इसका एक संदेश तो जरूर पूरे देश में जाता है, क्योंकि इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबके स्टूडेंट यहाँ के, पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट। हाँ, डूसू चुनाव जो है एक तरह से मिनी इंडिया का चुनाव हो जाता है छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 40% जो स्टूडेंट रहता है वो बाहरी छात्र होता है, जो कि अन्य राज्यों से आता है। इस वजह से लोकल स्टूडेंट के मुकाबले में वो बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इन चुनावों में। अच्छा, इसके आम आदमी पार्टी के आने के पहले कितना इम्पैक्ट पड़ता था डूसू चुनाव, क्योंकि विधानसभा के पहले ही होता था, याद है उसका? पहले इम्पैक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ता था कि जब से लिंगदो कमेटी आई है तब से ये कर दिया गया है कि एक कोई स्टूडेंट एक ही बार में एक पद के लिए चुनाव लड़ता है। उससे पहले ये रहता, लिंगदो कमेटी की सिफारिशें आने से पहले ये था कि कोई भी कैंडिडेट अगर इस बार ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए लड़ा है तो वो अगली बार अगर वो मजबूत दावेदार है तो संगठन उसे सचिव पद पर या अध्यक्ष पद पर भी उतार लेता था। तो उस कारण से 2 या 3 बार स्टूडेंट जो है जब चुनाव लड़ता था तो वो उस तरीके से परिपक्व हो जाता था और उसका प्रभाव भी पड़ता था और वो आगे की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण रहता था उसके लिए। जी, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका दिल्ली चुनाव पे, क्योंकि कांग्रेस जो मान रही है वो अभी मान रही है। जब से हम देखें कि 2013 से जब से आम आदमी पार्टी है, ये पहले कांग्रेस और BJP ही इलेक्शन फाइट करते थे यहाँ पे विधानसभा का, लेकिन अब आम आदमी जब से आई है तब से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि युद्ध का ट्रेंड किस तरह पाता जा रहा है। बट इस बार ये जो देखने मिला, दोनों आधे आधे बटे हुए हैं, तो युद्ध जो है बटा हुआ है, एक तो BJP की तरफ बटा हुआ है और कांग्रेस की तरफ, इन दोनों में।
लेकिन अब ये इलेक्शन जो है एनएसयूआई का जो जीत दर्ज अध्यक्ष पद पे है, तो ये कांग्रेस के लिए जो है यहाँ संजीवनी बन पाती है कि नहीं बन पाती है, ये कहना अभी फिलहाल जो है कांग्रेस किस तरह से इस टेम्पो को घुनाती है आगे उस पर भी डिपेंड करता है। कांग्रेस आगे किस तरह से मैसेजिंग करती है मैसेज डालेगी उस पर भी, क्योंकि कांग्रेस का जो वर्जन है उसको उसका उनका ये कहना है कि ये जो साबित कर रहा है दूसू का रिजल्ट जो है कि यूथ का जो झुकाव है वो थोड़ा सा उस तरफ बढ़ा है। और 2016 के बाद से जब से वो टफ था, दो रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो टफ था चुनाव, बहुत नेक टू नेक चला, फाइट चली। 2016 के बाद जब से नोटा की आया है इन चुनावों में, उसके बाद से नोटा को काफी वोट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो आईसा हो, चाहे वो एबीवीपी हो, दोनों के ही वोट नोटा बहुत काटता है। इस बार वोट परसेंटेज 50% ही रह गया है, पिछले बार 35% 35% 35% सिर्फ टोटल वोट पड़ा है, टोटल वोट शायद 1 लाख प्लस है, प्लस पड़ा जो है वोट जो है 45। और ऐसा माना जाता है कि जब भी कम वोट पड़ता है तो उसका लाभ एबीवीपी को होता है, लेकिन इस बार सारे समीकरण उनके काम नहीं करे। खुद एबीवीपी के अंदर खाने से ये माना जा रहा है कि ठोस रणनीति नहीं बना पाई, अंदर संगठन की गुटबाजी रही, उतना सीरियसली वो चुनाव नहीं लड़ पाए, या ये कहें कि आत्मविश्वास उनको शुरू से ही था कि हम चारों सीट जीत जाएंगे, उसका भी उनको नुकसान। वो कॉन्फिडेंस वही आया होगा ना, कंटिन्यूअली जीतते आ रहे हैं लगातार वो 7 साल, हाँ इस बार भी जीत जाए, संगठन की तरफ से सीट निकाली जा सके। तो दूसरों के रिजल्ट आ गए हैं, अब इसका दिल्ली चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा संजीदगी से कह पाना और थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि आम आदमी पार्टी उस चुनाव में की प्लेयर है ही नहीं, एक चीज। दूसरा ये कि अब कांग्रेस किस तरह से इस मैसेज को आगे ले जाती है, चूंकि एकदम बराबर का है कि दो पोस्ट भाजपा के पास है, दो पोस्ट कांग्रेस के पास है इसकी, तो ये भी होगा भाजपा भी पीछे नहीं रहेगी इसको पब्लिक के बीच ले जाने में, तो दोनों पार्टियां किस हिसाब से इसको पब्लिक के बीच ले जाती हैं और इसको अपने हित में ले आ पाती हैं, ये भविष्य पे भविष्य बताएगा। अभी पीएम ने जो है मन की बात में युवाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए कल संडे को ऐलान किया है, और इसमें लीडरशिप जो है यूथ लीडरशिप डेवलप करने की बात है, जो प्रगति मैदान में 2000 देश भर के बच्चे जो हैं वो आएंगे यहाँ पे और युवा लीडरशिप बढ़ेगी, तो इसमें भाजपा जो है इस विधानसभा, चूंकि अभी 2-4 दिनों के बाद ही है भारत मंडपम में इसका आयोजन है और देश भर के जो यूथ लीडरशिप आएंगे, तो हाँ वो वही मतलब फ्यूचर में किस तरह से दोनों पार्टियाँ इसको आगे ले जाती हैं और आम आदमी पार्टी किस हिसाब से इसको वो करती है, कन्वर्ट करती है इस एनर्जी को अपने हक में, ये भविष्य गर्भ में है। 2 महीने के चुनाव के दौरान ये उठापटक चलेगी, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो तीनों बड़ी प्लेयर पार्टियां हैं उसको जो है अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेंगी, ये तय होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान तीनों पार्टियों की तरफ से अपनाई गई स्ट्रेटजी पे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम किसी नए सियासी मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।